La 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 love is love. Hello and welcome to Eat Right with Dietitian Shreya. आज हम बात कर रहे हैं दूध के बारे में. दूध 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 दूध. एक टाइम था जब दूध को सुपरफूड माना जाता था. लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में बच्चों के लिए दूध देना बहुत ज़रूरी था. पर आजकल का जो सिनेरियो है जहाँ पर दूध आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं भैंसों को दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा केमिकल 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 है दूध में. तो ऐसे आज हम टॉप 10 रीजंस के बारे में बात करेंगे जिस वजह से आपको दूध अवॉइड करना चाहिए. सो हेयर कम्स द रीज़न 1. जो लोग दिन में 3 कप से ज़्यादा दूध पीते हैं, या फिर आइसक्रीम खाते हैं, या फिर ज़्यादा चीज़ का इंटेक करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों में एक फैट होता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट आपके आर्टरीज़ को क्लॉग कर सकता है, या हम जिसको कहते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपके आर्टरीज़ में फैट डिपॉजिट होने लग जाता है. सेकेंड, इसमें जो एक लैक्टिक एसिड या एक जो कार्बोहाइड्रेट शुगर कंटेंट होता है वो इतना हाई होता है कि आपको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं. और उसके अलावा ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, ये सब होने के आपको ज़्यादा से ज़्यादा. रीज़न नंबर 2, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन BST. ये वही हार्मोन है जो गाय भैंसों को दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि जो गाय भैंसें हैं वो प्रेगनेंसी तक, मतलब 300 दिन तक दूध प्रोड्यूस करती हैं. लेकिन ज़्यादा सप्लाई की वजह से, ज़्यादा डिमांड होने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स उनको बोवाइन ग्रोथ हार्मोन देते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ. जब ये हार्मोन हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या फेशियल हेयर ग्रोथ, या PCOD, या ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ऐसी बहुत ही तरह की बीमारियाँ हैं जो हमें लग जाती हैं. यहाँ तक कि कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में बोवाइन ग्रोथ हार्मोन का बिल्कुल बैन किया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें नहीं हैं. रीज़न नंबर 3, ऑन द कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव दैट टू प्रिवेंट द ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया यू नीड मिल्क. ऐसा नहीं है. अगर आपको बोन्स हेल्दी करनी है तो आपको उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, बोरॉन, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन अगर आप ये सब मिनरल्स नहीं लेंगे और सिर्फ कैल्शियम का ही इनटेक करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं दूध में कैल्शियम है, तो सिर्फ अगर आप दूध ही पी रहे हैं, बाकी ये सब मिनरल्स नहीं ले रहे, तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया होने से नहीं बचा सकते हैं. तो बेटर है कि आप हरी सब्जियां जैसे कि सैलेड, केल, कोलाड लीव्स, या फिर आपकी ब्रोकली, या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सब में भी उतना ही कैल्शियम होता है जितना आपके दूध में कैल्शियम होता है. रीज़न नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. जिन लोगों को आर्थराइटिस है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि जो पेस्चराइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है मिल्क में, उससे बहुत ज़्यादा एंजाइम्स उसके किल हो जाते हैं. तो आर्थराइटिस में भी कहीं ना कहीं मिल्क एक रोल प्ले करता है. रीज़न नंबर 5, वाई टू अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट कंजप्शन कैन इंक्रीज द इंसुलिन लेवल, और ये इंसुलिन लेवल, अगर हम एक बात करें IGF-1 एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, या जितने भी तरह के और कैंसर्स हैं उसमें हेल्प करता है, तो उसको और ज़्यादा ग्रोथ देता है. केमिकल्स 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 केमिकल्स. हियर कम्स द रीज़न नंबर 6, चीज़ यानी कि पनीर. पनीर बनाने में जो स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं मिथाइल सेल्यूलोज. मिथाइल सेल्यूलोज वही एक केमिकल है जो हम लोग जब कॉस्मेटिक्स बनाते हैं या जो यूज़ करते हैं उसमें डलता है. तो इमेजिन, जो आप प्रोडक्ट स्किन पे लगा रहे हैं उसी का एक एंजाइम आप खा भी रहे हो. तो अगर आप पनीर या चीज़ खा रहे हैं, हो सकता है कि उसके अंदर यही वाला केमिकल यूज़ किया गया हो जब उसको बनाने का प्रोसेस. सो द बेटर सब्स्टिट्यूट वुड बी सोया का पनीर, या फिर हम कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, उससे हम लोग पनीर बना सकते हैं, या हम लोग आमंड मिल्क घर पे बना सकते हैं, बादाम का दूध, उससे आप पनीर बना सकते हो. सिंपल सी एक रेसिपी है, 1 कटोरी बादाम को रात को भिगो, 3-4 कटोरी पानी में उसका स्किन उतार कर उसे ब्लेंड कर दो, तो वही पानी आपका दूध बन जाता है. वाई टू अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स. रीज़न नंबर 7, ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स कैन कॉज इन्फ्लेमेशन इन द गट.
मतलब अगर आप लोगों को ये लगता है कि मुझे बहुत जल्दी से डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है या मुझे कुछ भी खाने के बाद नहीं पचता है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उसका एक रीज़न मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उससे म्यूकस सिक्रीट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। वो म्यूकस क्या करता है, हम लोग जो अपने सो कॉल्ड वाइट फ्लावर खाते हैं, मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, वाइट फ्लावर या फिर ब्रेड्स, तो हम ब्रेड खा रहे हैं और साथ में दूध पी रहे हैं, तो उसका म्यूकस वाइट फ्लावर के साथ चिपक जाएगा, ग्लू की तरह वो काम करेगा और हमारे अंदर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर डिपॉजिट होते जाएगी। Why to avoid dairy products? Reason number 8. Eating dairy product can affect your fertility. दूध में जो हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स, वो हॉर्मोन्स हमारे अंदर जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपका फर्टिलिटी इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है, हॉर्मोन्स हैं। और बेसिकली क्या है, अभी हमने जैसे म्यूकस का बात किया था, वो म्यूकस आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अगर म्यूकस डिपॉजिट हो गया है तो स्पर्म ओवरीज में जाने में प्रॉब्लम करेगा, फेलोपियन ट्यूब्स में जाने में प्रॉब्लम करेगा और ग्रेजुअली इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। सो अभी हमने बात किया कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे हार्म्स, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, पर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन हो सकता है जैसे बादाम का दूध, उसकी रेसिपी मैंने आपको बताई है, बादाम का दूध आप बना सकते हैं। आपका बच्चा हो 3 साल का, 6 साल का या फिर बड़ा बच्चा, बादाम का दूध बहुत अच्छा है, ओमेगा फैट्स हैं उसमें। नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क आजकल मार्केट में मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा सोया मिल्क भी बहुत अच्छा है, तो आप मिल्क के अदर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक मिल्क आप ले सकते हैं। La 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 la